ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं सरोज हाशमी। आज पूरा दिन ट्रिपल तलाक को लेकर सदन में बहस चली। 303 लोगों ने वोट किया है ट्रिपल तलाक बिल के लिए और 82 लोगों ने इस ट्रिपल तलाक बिल का विरोध किया है। हालांकि 82 लोगों के विरोध के बाद भी सदन में ट्रिपल तलाक बिल पास कर दिया गया है। कानून मंत्री ने कहा, हमें मुस्लिम बहनों की चिंता है। देश में बढ़ता हुआ क्राइम, मॉब लिंचिंग जैसे घटना, गाय के नाम पर मारा जा रहा है, चोर समझकर पीट पीट कर हत्या किया जा रहा है, इस पर कानून कब बनेगा? इसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? रोजगार को लेकर क्यों नहीं आवाज उठाया जा रहा है? बहस के दौरान MIM के सुप्रीमो सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल में आप कह रहे हैं कि अगर किसी पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया तो शादी नहीं टूटती। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के खिलाफ है। जब 3 साल की सजा हो जाए, पति जेल में रहे, तो औरत 3 साल तक इंतजार करे और जब वो जेल से वापस आए तो ये कहें बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। कुछ इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में आवाज़ उठाई है। सुनिए, हम आपको सुनाते हैं। वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं, मुबारकबाद देता हूं आपको। कि चौथी बात कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती। ये बिल में कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती। यहां पर जितने ऐवान में अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक हैं, जिसमें एक ही ट्रिपल तलाक है। और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया 3 मरतबा एक साथ, आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर, मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं, इस तरह का कानून बनाकर। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। चौथी बात सर, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके ताईद में खड़ा रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं, मुबारक आपको, यह आपकी वाकई में अच्छी सोच है। और सर, आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। और मैं खत्म करने से पहले कह रहा हूं, यह कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर, हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह खयामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता, वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ। और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, मैं आपको कह रहा हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपेल किया। अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहानत का सबूत मत दीजिए। यह कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसीलिए मैं इसकी खिलाफ वर्जी करता हूं। रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, जिसमें विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा 3 बार तलाक बोलकर विवाह तोड़ने के विरोध करने का प्रावधान किया गया है। NK प्रेमचंदन ने विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा, इस विधेयक को भाजपा सरकार लक्षित एजेंडे के रूप में लाई है और यह राजनीति है। लोकसभा में 3 तलाक बिल को लेकर आजम खान बोले, उनके बोलते ही हंगामा खड़ा हो गया और आजम खान को माफी मांगने को कहा। सुनिए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा? उधर मत देखिए, मुझे
आप इधर बात कीजिए। मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो? अध्यक्ष जी, आजम खान जी, आजम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ, तू इधर उधर की ना बात कर, आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है, ये बता के काम। आप ये शब्द वापिस ले लीजिए, ये ठीक नहीं है, ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापिस ले लीजिए। सदर को, चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं उनको अच्छी समझदारी है, और जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है, एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द का प्रयोग, उनको माफी मांगनी चाहिए, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, जवाब दीजिए। पहले तो उस शख्स मान्य से उस जो शब्द बोला उसके लिए आप माफी मांगे, मान्य से नो गलत। तीन तलाक को लेकर आज सदन में हंगामा रहा, 303 लोगों ने वोट किया ट्रिपल तलाक के पक्ष में और 82 लोगों ने इसका विरोध किया। फिलहाल सदन में पास हो गया है तीन तलाक बिल, और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।